अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू AS फैमिली ब्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज ब्लॉग्स देर से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब हर दिन सोचती हूँ आज करूँगी कल करूँगी, नहीं आज छोड़ो कल से करती हूँ, ऐसा मन नहीं होता है फ़ोन उठाने को इसीलिए। और रात के सब्ज़ी मैं आज बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी आज ड्राई फिश के साथ, जो सूखा वो मछली होता है ना बम्बली, तो उसके साथ बनाएंगे हम, क्योंकि सबको ही पसंद है सूखा मछली। खा इनाया को छोड़ के, इनाया नहीं खाती है। इनाया के लिए कुछ एक ऑमलेट कर दूँगी, एक बॉईल कर दूँगी, कुछ ना कुछ खा लेगी, उसका कुछ टेंशन नहीं है खाने का, उसको दाल और घी दे दूँगी तो खा लेगी वो। इसका सब्ज़ी खा लेती है, मिक्स करके खिला देती हूँ, सिर्फ सूखा मछली नहीं खाती है, कद्दू वैसे खा लेती, मतलब ऐसे नहीं खाती है, मैं खिला देती तो खा लेती हूँ। तो आयान तो खा लेता है क्योंकि आयान का भी फेवरेट ही है। और ये रहा कद्दू, तो मैं कट कर रही हूँ। और इनाया यहाँ पे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रही है, आयान भी वहाँ पे स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रहा है। और ये गए हैं आज ऑफिस, आज है मंडे, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को इनका ऑफिस से काम होता है, ट्यूसडे और थर्सडे को घर से काम होता है, तो कल घर से करेंगे शायद। मतलब ऐसे तो 3 दिन ऑफिस, 2 दिन घर से है, तो देखेंगे कल जाएगा तो नहीं जाएगा, शायद नहीं जाएगा क्योंकि आज गए हैं ना। तो वही, तो इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी मैं आप लोगों के साथ कैसे बनाते हैं, शायद आपको पता होगा, जिनको नहीं पता तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा लगता है सूखा मछली के साथ, जो भी कद्दू नहीं खाते हैं ना पम्पकिन, वो मतलब सूखा मछली के साथ बनाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी बनता है, सबको पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो मैं जैसे बनाती हूँ तो मैं दिखा दूँगी, पहले मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आयान आया था दिखाने के लिए, अपना स्कूल का होमवर्क मैथ्स का कंप्लीट किया है और क्या सब्जेक्ट है बाकी का कर लो, ठीक है। और इन्हें यहाँ पर नीचे लेट के, मतलब स्कूल का होमवर्क तो एक ही पेज दिया था, वो हो गया उसका करके, तो अभी मैं घर के प्रैक्टिस ही करा रही हूँ। अभी आज से ही तो इसका मतलब बुक्स भी दिया है, तो कुछ ऐसा स्टार्ट हुआ नहीं है इसका, मतलब बुक्स भी बाइंडिंग करना है तो भी करूँगी, पहले मैं खाना बना लूँगी उसके बाद बुक्स में कवर लगाऊँगी। तो मैं इसको गर्म पानी में बॉईल करके अच्छे से गर्म पानी में धो लूँगी। ये है बॉम्बे डक फिश यानी कि बम्बली। तो कद्दू और सूखा मछली की सब्जी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ सरसों का तेल। सरसों का तेल में बहुत अच्छा बनता है, अगर आप लोग सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप लोग वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। तो तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो तेल गर्म होते ही मैं इसमें, जो हमने गर्म पानी में अच्छे से धो लिया था ड्राई फिश को, तो उसे हमें फ्राई कर लेना है थोड़ा सा। धो लीजिए गर्म पानी से, पूरा रेड फ्राई कर लीजिए। तो बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, देख सकते हैं थोड़ा सा लाल होना स्टार्ट हो गया है, उसे भी निकाल लेंगे इस प्लेट में। तो सेम ऑयल में ही बनाऊंगी, थोड़ा सा और मैं ऑयल ऐड करूंगी सरसों का तेल, इसे भी अच्छे से गर्म होने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है तेल ठीक है तो आप ऐड नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। तो तेल ऑलरेडी गर्म है तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, एक बड़ा सा इसका प्याज जो मैंने चॉप कर लिया था, और इसी के मैं साथ में एक हरी मिर्च भी ऐड कर सकती हूँ। हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं जितना मीठा खाते हैं आप लोग, कद्दू मीठा है तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, ऐसे मैं मिर्ची इतना ऐड नहीं करती हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं, खास करके मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। अगर मुझे मुँह में आ गया ना
क्योंकि भी हमारी शादी हुई थी तब निकल जाता तो इसमें से भी कच्ची में नहीं डालती है और जिस दिन में कच्ची बनाती है तो इसमें डाल देती हूँ कल का पता नहीं चलता है और उनकी सब्जी में खरीदने से मैं निकाल देती हूँ अगर उनके प्लेट में गया तो मैं निकाल देती हूँ। इस प्याज से हमें कैसा हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो तब तक हम लोग मसाला रेडी कर लेंगे। तो मैं मसाला में ले रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च आप अपने हिसाब से ले सकते हैं और तीखी लाल मिर्च आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ये 5 रुपये वाला जो मैजिक मसाला मिलता है ना, ये पूरा पैकेट ही ऐड कर दी है। और इस मसाले के साथ मैं ही ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पे हमारा प्याज का कलर भी चेंज हो गया है तो मैं ये मसाला का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। गैस को धीमी आंच पे कर देंगे ताकि हमारे मसाला ना जले। और ये मसाला वाला कटोरी में मैंने 1 टेबल स्पून पानी ऐड किया था तो हम वो इसे ऐड कर देंगे। इसे मिक्स कर लेंगे, नमक भी अभी ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। एक चुटकी शक्कर रिश्तों में खटास ना आई, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, मैं डालती हूँ। तो इसको हमें फिर से थोड़ा सा धीमी आंच पे ही भून लेना है ताकि हमारा मसाले से मतलब कच्चेपन का इस्तेमाल स्मेल निकल जाए। तो अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी कद्दू और आलू जो हमने कच्चे से रख लिया था। मिक्स कर लेना है अच्छे से। मिक्स होने के बाद मतलब 5 मिनट के लिए हमें इसे धीमी आंच पे ही पका लेना है, मतलब भून लेना है। तो मैं इसे अभी 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, ढक दूंगी, ढक के हमें इसे धीमी आंच पे ही 5 मिनट के लिए पका लेना है। तो 5 मिनट के लिए मैंने धीमी आंच पे पका लिया है तो यही मैं फ्राई की हुई है सूखा मिर्च ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और अभी हमें तब तक पकाना है जब तक कि मतलब आलू ना पक जाए, कद्दू तो वैसे भी जल्दी पक जाएंगे और मसाले भी ऑलरेडी फ्राई किया हुआ ही है, सिर्फ हमें आलू को पकाना है और थोड़ा सा लाल करना है। तो आज इनायक स्कूल से दिए हैं बुक्स इनायक के और ये है कवर, तो अभी हम लोग लगाएंगे कवर। और ये पेंसिल का एक सेट दिया है, 3 इरेजर दिया है, शार्पनर भी इसके अंदर ही है और देखेंगे इसके अंदर बुक्स कौन सी बुक्स है। ड्यू तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उन लोगों ने टिक मार्क के देके ही दिया था, मतलब मेरे सामने ही, तो सब कुछ ही है, सिर्फ क्रेयॉन्स उनके पास है तो वो लोग जब एकदम लास्ट ईयर मतलब अगले साल होगा ना जब एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम होगा तब वो लोग वापस करते हैं क्रेयॉन्स। और पेंसिल इरेजर भी तभी वापस करते थे पर पता नहीं इस साल दिया है तो लेके जाना है साथ में पाउच में। और यहाँ पे पेंसिल बॉक्स नहीं अलाउ करते हैं कोई भी स्कूल में, पाउच ही लेके जाना पड़ता है। तो आयान तो वैसे भी पाउच ही लेके जाता है तो इनाय के लिए एक पाउच लेके आना है। तो घर के पास में इतना अच्छा पाउच नहीं मिलता है तो कल इनाय के पापा के साथ जाके पाउच लेके आएंगे। तो अभी इस बुक्स में अभी मतलब इन बुकों में अभी कवर लगाएंगे, ठीक है ना। कौन है ये भाईजान? और तुम कहाँ हो? भाईजान है और इनाय बड़ी है इसमें, इसको अभी कट कर लेंगे। और शायद ये नोटबुक्स है सब, ठीक है एक मिनट रखो ना, नोटबुक्स बाद में देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग टेक्स्ट बुक देखेंगे, ठीक है। अच्छा है नोटबुक ही है,
ये है कनाडा, वो इसका ही नाम कनाडा मिला है, तो कनाडा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए ये देखो सब है। हाँ ये रुको, अभी तुम्हारा भी कनाडा आ गया है, तो भाईजान के साथ तुम्हें भी ट्यूशन देना पड़ेगा, कनाडा ट्यूशन। ये तो कनाडा, ये है कर्सिव राइटिंग का, परफेक्ट। तो ये प्रैक्टिस कराना पड़ेगा स्मॉल लेटर्स की। नया अभी यूकेजी में है, जिनको मालूम नहीं है, अगर कोई नया लोग हमारे ब्लॉग्स को देख रहे हैं तो उनके लिए ये क्रेयॉन्स एक्टिविटीज़ है, कलरिंग का मतलब। और ये है अर्ली लर्निंग एक्टिविटीज़, तो ये इंग्लिश मतलब ऐसे है। आयन के टाइम में इतना हार्ड नहीं था, इस बार थोड़ा सा हार्ड हुआ है, पर कोई नहीं, बच्चे सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। सेफ्टी ऑन द रोड, तो ये सब सिखाना पड़ेगा इन्हें, को स्कूल में भी सीखेगी घर में भी सीखेगी। ये है मैथ्स, मैथ्स में क्या है, मैथ्स स्टार्टिंग क्या है देखेंगे, फर्स्ट पेज। अच्छा अप एंड डाउन, हाई एंड लो, ये मैथ्स का है। एक मिनट इन्हें ऐसा देख रही हूँ ना, वन मेनी मोर लेस स्लो फास्ट सम डिफरेंट सेम डिफरेंट, तो ये है मैथ। मैं ना अभी मैं कवर लगा लेती हूँ बॉक्स में, इसमें भी है मैं सब है, ये मेरा बुक है। तो यहाँ पे इनार का स्कूल भी कवर्स लगा रही हूँ, ये टेक्स्ट बुक है 5 टोटल, तो और वो नोटबुक है यहाँ पे देखा वहाँ पे, तो ये कवर लगा लिया है। तो अभी लेवल लगाना है, तो बारहवीं का लेवल लेके आए हैं आयन, जाके अभी घर में था नहीं तो स्कूल से ये नहीं दिया है, बाकी सब स्कूल से ही दिया ये है। मेरा फेवरेट बुक है, तो वो लगा के खाना दूंगी मैं बच्चों को।